भैया मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। एक काम करो, मेरे पीछे रहो, देखता हूँ। मैंने हाँ भाई, कौन है तू और ये छोरी क्या लगती है तेरी? देख, ये मेरा शिकार है और इसे छोड़ दे, और अपनी जान की सलामती चाहता है तो शेर से पंगा मत ले। शिकार के लिए ना तो कोई हिरन है और ना तो कोई शेर, इंसान है, इंसान की तरह है, वरना तेरे जैसे जानवरों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। लगता है तू इस इलाके में नया आया है, इसलिए भैरव सिंह को नहीं जानता है। चल कोई नहीं, जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा इलाका है। इलाका तो कुत्तों का होता है ना। कूल डाउन। देख, तेरे एक सब ने मेरे आदमियों को कितना गुस्सा दिला दिया है, अगर मैंने तेरे पे ये छोड़ दिए ना तो तेरा क्या हाल होगा। कुत्ते तादाद में चाहे जितने भी हों, लेकिन शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भला इसी में कि अपने कुत्तों को साथ ले और चुपचाप यहाँ से दुम दबा के निकल जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुझे और तेरे चमचों को म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में डालकर भेजना पड़े। देख क्या रहे हो, मार डालो साले को और लड़की को इधर घसीट के लेके आओ। अगर दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत की तो तुझे वाकई अफसोस होगा कि तूने किससे पंगा लिया। क्या निकल यहां से। मुझे इसकी मौत सोचनी पड़ेगी और इसकी मुझे जन्म कुंडली चाहिए। चलो गाड़ी निकालो। हाँ तो मैडम, अब आप हमें बताइए कि वो लोग कौन थे और आपके पीछे क्यों पड़े थे। सर, वो इस शहर का माना हुआ गुंडा भैरव सिंह है। उसने अपने आतंक से सारे शहर को परेशान करके रखा है। बंदूक की नोक पर ना जाने कितनों की प्रॉपर्टी छीनकर लोगों को बेघर कर दिया। अगर उसे एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे हासिल करके ही रहता है। अच्छा, तो उसके खिलाफ अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? सर, कार्यवाही करना तो बहुत दूर की बात है, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज भी उठाता है तो उसके पूरे खानदान को खत्म कर देता है। अच्छा, इसका मतलब पूरा सिस्टम ही बिक चुका है। चलो कोई ना, आप घर जाओ और हो सके तो शहर को कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। उसका ये गुंडा राज अब ज्यादा दिनों के लिए नहीं चलेगा। ठीक है साहब, मैं शहर को छोड़ के चली जाऊंगी, यहाँ तो वो मुझे ढूंढ के मार ही डालेगा। Yeah.
क्यों, ये सब देखकर तुझे डर नहीं लगता क्या? अरे मालिक, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई मेरे सामने तड़पता ना तो मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा बताओ, तो क्या काम है तेरा यहाँ, क्यों आया यहाँ? मालिक, मैं भी आपकी तरह एक बड़ा गुंडा बनना चाहता हूँ। अच्छा, इतना आसान है गुंडा बनना? बेटा जान हाथ पर रखकर चलनी पड़ती है। कोई बात नहीं मालिक, ये कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है कितनी भी जिंदगी जिए, बस शान से जिए, बस मुझे अपनी गैंग में शामिल। अच्छा चल ठीक है, तुझे किया शामिल, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस आप मुझे शामिल कर लो। अच्छा तो तू जान भी दे सकता है मेरे लिए? ले देकर दिखा। लेकिन मालिक, तू जान दे सकता है ना, जान दे के दिखा। चल तुझे शामिल किया मैंने, मुझे भी तेरे जैसे ही वफादार इंसान की तलाश थी, आज से तू मेरा राइट हैंड रहेगा। मालिक, मैंने उस ऑफिसर का सारा बैकग्राउंड पता कर लिया है। अच्छा सब बस, जल्दी बता उसके बारे में। मालिक, वो इस जिले का नया कलेक्टर है और एक छोटे से गांव के रहने वाला है, और उसके घर में बाप, चाचा, चाची और उनके दो बच्चे हैं। बेचारा बड़ी ही मेहनत करके कलेक्टर बना है। अच्छा, एक छोटे से गांव से है, बड़ी मेहनत करके कलेक्टर बना है। हाँ मालिक, और उसकी एक बात खास यह भी है कि वो किसी भी काम को बड़ी ईमानदारी से करता है। ईमानदार, ये हुई ना बात, अब आएगा खेल में मजा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे माफ कर दो सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया, इस बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देख, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, और तुझे अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी। अरे साहब, मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप यहाँ के नए कलेक्टर साहब हैं। अगर पता होता तो मैं आपसे उलझता ही नहीं। मेरी मती मारी गई थी सर उस दिन, जो आपसे मैंने पंगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ सर, और मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया। दोस्ती? और वो भी एक गुंडे से? अरे तेरे जैसे लोगों से तो मैं बात करना ही पसंद ना करूं, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। साहब, मैंने न जाने कितने ऑफिसरों को यहाँ आते जाते देखा है, मैं जिंदगी में पहली बार आप जैसे ईमानदार अफसर को यहाँ पर अपने फर्ज को अहमियत देते हुए देख रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपने किए पर बहुत पछतावा कर रहा हूँ सर, और ये आपसे मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राजवीर। आई एम सचिन राजपूत फ्रॉम CBI। ये सब क्या है, और आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? हमें खबर मिली थी कि आप रिश्वत लेते हैं, और आज मैंने आपको रंगे हाथों भी पकड़ लिया है। देखिए सर, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये आदमी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये सब इसी का बनाया हुआ प्लान है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर हर कोई यही डायलॉग मारता है, और फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये इसकी हरकत है? पैसे तुम्हारे पास हैं, आदमी तुम्हारे पास है, क्यों भाई क्यों दे रहे थे 100 रुपए? साहब, मैं तो अपने गाँव वालों के खेतों के लिए नहर का पानी छुड़वाने की अनुमति लेने आया था साहब से, और साहब कह रहे हैं मैं तो बिना पैसे का कोई काम ही नहीं करता हूँ। जैसे तैसे मैंने गाँव वालों से और सबसे कह के 5 लाख रुपए की व्यवस्था की थी मैंने, और साहब को देने ही वाला था, उसने हाथ मार दे। सही समय पर आया हूँ, वरना कैसे पता चलता कि साहब अपने पद का कैसे गलत फायदा उठा रहे हैं? सर ये झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अच्छा तो फिर ये क्या चीज है, और सबूत क्या है आपके पास ये आदमी झूठ बोल रहा है? सबूत है। सबूत? हाँ सबूत। क्या सबूत है? इंस्पेक्टर विजय, कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे रघु, तू ये वर्दी में कैसे, क्या बात? ये तेरी गलतफहमी है भैरव, तो तेरा आदमी नहीं, ये है यहाँ के इंस्पेक्टर विजय भारद्वाज। ये गुंडे को पकड़ने के लिए गुंडे की ही तरह सोचना पड़ता है, इन्हें तेरी टीम में शामिल होने के लिए मैंने ही भेजा था, ताकि तेरे खिलाफ
सारे पुख्ता सबूत मुझे मिल सके। ये टीम में जरूर तेरे शामिल थे लेकिन काम कानून के लिए कर रहे थे और तुझे भनक तक नहीं लगना। रघु ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा कलेक्टर। भारद्वाज जी जरा इनके काले कारनामों की फिल्म को चलाना। चल तेरी खातिरदारी करते हैं। इंस्पेक्टर अरेस्ट कर लो इसे। एक ईमानदार ऑफिसर को बदनाम करता है। सॉरी ऑफिसर, हमारी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं सर, आप भी तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। बस इसी तरह हमें अपने फर्ज को निभाते रहना चाहिए ताकि इन जैसे लोगों में कानून का डर बना रहे। सही कहा आपने। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इसकी खातिरदारी जो करनी है। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। ले चलो इसे। कलेक्टर तूने बहुत गलत किया मेरे साथ, इसका अंजाम तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अरे ये तो जेल में पता चलेगा कौन गलत है कौन सही। ले चलो उन्हें। तो हाँ भाई, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को, रिश्तेदारी में, जहाँ भी हो सके हर जगह शेयर कर दो, ठीक है? क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाई है और बहुत ही मतलब चैलेंजों का सामना करना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। वो तो हम ही जानते हैं कहाँ कहाँ जाना पड़ा, क्या लोकेशन, कैसे सेफ्टी में, सब कुछ लाइक तो बनता है, ठीक है? आपका एक लाइक जो है ना वो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने देखी, किसने देखी, किसने नहीं देखी, ठीक है? तो कमेंट जरूर करें और कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट करके दिखाएं। तो भाई जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है? तब तक के लिए अगली स्क्रिप्ट हम तैयार करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भैया टाटा बाय बाय, लगी शेयर कर देना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब पहले करो और अपने यार दोस्तों से भी करवाओ यार सब्सक्राइब, बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, ठीक है?